चलिए, ये आपको क्वेश्चन हमेशा जो है ना कहीं कहीं सुनने को मिलता होगा कि 12,212 को कैसे लिखें, या आप तो केवल यही क्वेश्चन सुने हो। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको सुनाता हूँ कि 11,111 को कैसे लिखें, 13,1313 को कैसे लिखें, 14,1414 को कैसे लिखें, 15,1515 को कैसे लिखें, या 24,2424 को कैसे लिखें। कोई भी यदि संख्या पूछे तो ये सारी ही संख्या आपको इसी से बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यदि देखो, यदि कहे कि 12,015, 12,015 कैसे लिखोगे, 12,000 है ना, 15 ऐसे नहीं लिखते हो, क्योंकि 12,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 12 कहाँ मिलेगा 10,000 में, तो 12,015 तो 15, ठीक है, क्योंकि सैकड़ा का स्थान क्या है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। या आपसे कहे कि 11,000 432, 11,432, तो सबसे पहले इसे कैसे लिखोगे, 11,000 है तो यहां पर करो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो 11,000 तो 10,000 में मिलेगा। अब देखो 11,000 है तो यहां पर 11,000 करो, 400 है 400 करो, 32 है तो 32 करो, ठीक है, 11,432। यदि कहे कि 15,112, अब ये देखो पहले कि दाहिना सम को चलना है बाई की ओर, 15,000 है तो 15,000 है कहां तक आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 10,000 में आएगा 15,000, तो 15,000 करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा, अब यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा में आएगा 100, तो 100 यहाँ सैकड़ा में 100, 12 है तो 12 होगा, ठीक, कोई दिक्कत। या अब ये देखो, यदि इसको ऐसे कहे कि 15,112 तो 15,000 इस तरह भी कर सकते हो, 100 100 12 तो 12 जोड़ दो कितना होगा 15,112। यहाँ है 11,432, इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे देखो 11,000 है 400 है तो इकाई दहाई सैकड़ा 400 है, 32 है तो 32 है, ठीक है, 2 3 4 1 1, ठीक है, 12,015 है, 12,000 है तो 12,000 है, 15 है जी तो 15 है जी, क्योंकि इकाई दहाई इकाई दहाई, ठीक है। आपको जो जब भी संख्या जब जोड़ना हो तो सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लो कि उसकी इकाई दहाई सैकड़ा से दहनी ओर से ही संख्याएं को बैठानी है, 0 0 5 5 इसको ऐड करो, 1 0 2 और 1 तो 12,015, ठीक है। अब यहां कहता है कि 12,000 तो 12,000, 1200 तो 1200, 12 12,000 1200 12, ठीक है, तो 12,000 1200 12। अब यहां पे लिख तो दिए, जो कह रहा है हमने वो लिख दिया, लेकिन यहाँ विरोध देखो, यहाँ विरोधाभास कैसे हो रहा है, यदि मैथ की नजर से देखा जाए तो यहाँ विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ 12,000 है, अब यहाँ करो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यहाँ तो लाख हो रहा है, ठीक है, तो यह भी क्या है, यह मैटर गलत है, ठीक ना, यह क्या है, इस तरह आपका उत्तर कभी नहीं होगा। तो 12,112 को लिखें कैसे, अब ये देखो कि करो क्या कि 12,000 को कैसे लिख सकते हैं, 12,000 लिख सकते हैं इस तरह, 1200 तो 1200, 12 तो 12 जोड़ दो, 2 1 2 3 1, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि 13,212। आप ये सोचो कि आपकी एक शॉप की दुकान होती, ठीक ना, जहां कि कोई आदमी कहता कि हाँ, आप यदि कैलकुलेटर से जोड़ रहे होते कि 12,000 का कुछ सामान, 1200 का कुछ सामान, 12 रुपया यदि आप जीएसटी या कोई टैक्स लेते, तो
आप जोड़ते तो कितना मिलता, 13212 ही ना मिलता। यदि है ना, यदि आपसे कहे कि 11111 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो 11000 है, 11000 है, 1100 है, 1100 है, और 11 है तो 11 है। सबसे पहले ये देखो कि 11000 उठा लिख दिए, 1100 इकाई में जीरो, इकाई में जीरो, क्योंकि यहाँ इकाई सन शुरू है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, दहाई में शून्य, दहाई में शून्य, सैकड़ा एक हजार, एक हजार एक, ठीक। अब 11 है तो यहाँ दो ही अंक है, इकाई है दहाई है, इकाई में एक, इस इकाई में एक, दहाई में एक तो दहाई में एक, और आप सबको ऐड कर लो, एक 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 दो और एक, यानी आपकी संख्या कितनी होगी, 12111 होगी। फिर से देखिए आप लोग थोड़ा सा, यदि आपसे कोई कहे कि 13000 500 18, ठीक है, आप इसको दो विधि से लिख सकते हैं, या तो आप पहले ही पॉइंट बैठा दो कि 13000 है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 13000 तो 13000, 500 सैकड़ा में पांच है ना, सैकड़ा में इकाई दहाई सैकड़ा में पांच, 18 हो गया। अब आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जो है ना आंसर जो है सही है कि गलत है, कैसे चेक करें, तो आप इसकी दूसरी विधि देखो कि 13000 तो 13000 500 18 तो सेम है कि नहीं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।